बारिश हो या पूल पार्टी, कभी गिरा है आपका फोन पानी में? उस मोमेंट का पैनिक याद है, दिल धक धक कर रहा है और मन में एक ही सवाल, क्या ये फोन बचेगा? तो इसी चीज को दूर करने के लिए आजकल काफी सारे फोन्स में आईपी रेटिंग आपको देखने को मिलता है। बट मेन सवाल, आईपी रेटिंग का वैलिड कब तक है? मतलब कि फोन तो आपने बाय किया, एक साल तक उसका वारंटी है, क्या आईपी रेटिंग आपका लाइफ टाइम रहेगा? मतलब कि जब तक आप फोन को इस्तेमाल करोगे? क्योंकि ऐसा ही एक सेम चीज मेरे साथ हुआ था। मेरा फोन आईपी रेटिंग था एंड 2 साल यूज करने के बाद उसका बैक ऑटोमेटिकली बाहर आ गया था। फिर जब मैं सर्विस सेंटर गया, वहां पे बात किया, तब इसका कुछ और ही चीज मुझे मालूम पड़ा जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले, जिन लोगों को नहीं मालूम आईपी रेटिंग या फिर इनग्रेस प्रोटेक्शन क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि आपको बताएगा कि आपका फोन या फिर कोई भी डिवाइस कितना ज्यादा प्रोटेक्टेड है पानी या डस्ट से। और आईपी रेटिंग के अंदर 2 नंबर आपने देखा होगा, जैसे कि काफी सारे स्मार्टफोन के अंदर IP68 रेटिंग हमें देखने को मिलता है, काफी सारे 69। तो ये जो 69 का 6 है, ये डस्ट रेजिस्टेंट के लिए है। एंड इसके बाद जो दूसरा वाला नंबर है वो वाटर रेजिस्टेंट के लिए। ये नंबर जितना बड़ा होगा, प्रोटेक्शन उतना ही बेहतर आपको देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका फोन का रेटिंग IP68 है, जैसे कि मेरा ये फोन था, इसका मतलब ये फुल्ली डस्ट प्रूफ है और सेलो वाटर में कुछ देर तक सेफ रहेगा। बट ये जो आईपी रेटिंग है, आप जो भी ब्रांड का जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी ऑफिशियल अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो इसके रिगार्डिंग आपको कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगा। जैसे कि आईफोन 11 जब आया था, ये IP68 रेटिंग के साथ आया था, बट 4 मीटर गहराइयों तक और 30 मीटर तक ही ये फोन सेफ रहेगा। बट जब आईफोन 14 सीरीज आया, इनफैक्ट अभी जब आईफोन 16 सीरीज आया, तो 30 मिनट तक तो है बट ये 6 मीटर कर दिया गया है, मतलब कि 4 मीटर से 6 मीटर। बट इसके अंदर भी सेम IP68 ही हमें रेटिंग देखने को मिलता है। और इसमें भी कुछ कुछ ब्रांड्स स्टार मार्क देके एकदम छोटा सा एकदम नीचे लिख कर रख देगा कि अगर आपका फोन साफ पानी में गिरा है तभी सेफ रहेगा, अगर आप अपना फोन नाले में या फिर गंदे पानी में गिर गया है तो उस केस में शायद आईपी रेटिंग आपका काम नहीं करेगा। और आईपी रेटिंग में अगर एक्स या फिर क्रॉस मार्क है, जैसे कि IPX4, इसका मतलब कि इसका डस्ट रेटिंग टेस्ट नहीं हुआ है। तो कौन सा आईपी रेटिंग बेस्ट है? तो आईपी के बाद जितना बड़ा नंबर उतना बेहतर प्रोटेक्शन। अब मेन सवाल की ओर चलते हैं, क्या आईपी रेटिंग, अगर आपने कोई स्मार्टफोन बाय किया है तो क्या आपका फोन जब तक टूटेगा फूटेगा नहीं, लाइफ टाइम तक आईपी रेटिंग वैलिड रहता है? तो इसका आंसर है नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप जो भी स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो, उस ब्रांड की, उस पर्टिकुलर मॉडल की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे स्टार मार्क देके कुछ ना कुछ चीज लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि आईफोन के अंदर है, 30 मिनट तक आप रख सकते हो, 6 मीटर गहराइयों तक, अगर उसके ज्यादा गया तो आईपी रेटिंग उस केस में काम नहीं करेगा। एंड अगर आपका फोन वारंटी में है तब भी शायद सर्विस सेंटर वाले आपको डिनाई कर सकते हैं फ्री सर्विस देने के लिए। तो इस केस में आपका फोन एक फिजिकल डैमेज की ओर जाएगा एंड इसके लिए आपको पे करना होगा। अब हम जिस तरह से स्मार्टफोन को यूज करने लगते हैं, आईपी रेटिंग बेसिकली एक ग्लू देके उस पोर्ट्स को जिससे फोन के अंदर पानी या फिर धूल जा सकता है उसे प्रोटेक्ट रखता है। बट जैसे जैसे हम लोग हमारे फ़ोन या फिर कोई भी डिवाइस यूज करने लगते हैं, वो टाइम के साथ साथ वो उसका जो क्वालिटी है वो कम होने लगता है, जिसके कारण आईपी रेटिंग एक टाइम के बाद आपके फ़ोन में या फिर कोई भी डिवाइसेस में नहीं रहेगा। जैसे कि मेरे इस फ़ोन के अंदर हुआ, ये फ़ोन हीट के कारण इसका बैक बाहर आ गया था। जब मैं सर्विस सेंटर गया, वहाँ पे मुझे कहा गया कि 600 रुपये इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे और हम आपके फ़ोन को ठीक कर देंगे। एंड उस टाइम पे मैंने एक ही सवाल उनसे पूछा था कि क्या इस केस में मेरा फ़ोन आईपी रेटिंग सर्टिफाइड रहेगा, तो उनका कहना था नहीं, क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन आउट ऑफ वारंटी हो चुका था, दूसरा चीज़ मेरा बैक बाहर आ चुका था एंड पानी फ़ोन के अंदर जाने के लिए टाइप सी पोर्ट भी है। एंड अगर टाइप सी पोर्ट के अंदर वो जो ग्लू है उसका अगर क्वालिटी डिक्रीज हो गया है तो वहाँ से भी पानी जा सकता है। तो इसीलिए अगर आपका फ़ोन आईपी रेटिंग है, आप बिंदास इस्तेमाल करो। अगर एक्सीडेंटली फ़ोन पानी में या फिर कहीं पे गिर जाए तो उस केस में आपको वो जो धक धक वाली फीलिंग है वो शायद ना हो, बट आप जानबूझ के ये चीज़ कभी भी मत करना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी बात पर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना।
आपका फोन कौन से आईपी रेटिंग के साथ आता है, साथ ही साथ आपका फोन का मॉडल कौन सा है, ये चीज़ आप नीचे मुझे कमेंट करके बताना। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।